शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। इसके पास बैठकर खाने से अच्छा है भूखे रह जाऊं। रुकिए पापा जी, जब दुकान चली थी बाल बाल कर्ज में डूब गया था, जब इस परिवार ने इतनी ठोकरें खाई थी तब आपके बेटे ने आपका साथ नहीं छोड़ा, हमेशा आपके साथ खड़े रहे थे। और पापा जी फिर भी आपको ऐसा लगता है कि अब है ऐसी हरकत कर सकते हैं? चलो देख क्या रहे हो, नाश्ता करो, मुझे दुकान भी जाना है। और हां, जब तक नाश्ता पूरा नहीं हो जाता टेबल से कोई नहीं उठेगा, यही घर का नियम है, याद रखना। अरे नाश्ता कर लिया आप लोगों ने? अरे कीर्ति ने आप सबके लिए कुछ खास बनाया है। अरे वाह, वैसे भाभी आप एक काम क्यों नहीं करती, पहला निवाला ना आप ही जरा चक्कर देखिए, इसका ना भरोसा नहीं है। किस जबान पे जो जहर है ना वो ना खोल दिया इसने खाने में। क्या बुआ जी, आप भी ना। वाह कीर्ति, बता ना क्या बनाया है। ये देखिए दीदू, ये देखिए हमने बनाया है। कमाल हो गया, पहली बार हमें ना चुटकी भर पोहा का प्रसाद खाने को मिलेगा। बुआ जी पहली बार बनाया है तो प्रसाद ही सही, वही समझकर खा लीजिए। चक्कर तो देखिए कैसा बना है, हम देते हैं आपको, टेस्ट तो करिए बुआ जी। ये लो तुम भी खा लो। आप भी चखो ना, बताओ ना कैसा है, कैसा है, कैसा है, स्वाद है? कीर्ति, कीर्ति, क्या किया तुमने कीर्ति? इतना स्वादिष्ट और बढ़िया पोहा तुम कैसे बना सकती हो स्वीटू? स्वीटू सच्ची सच्ची बताओ, तुमने पास वाली दुकान से ये मंगवाया है ना? तुम ना हमें सच बता दो, हम यहाँ पर किसी को नहीं बताएंगे पक्का। इतना अच्छा लगा बुआ जी, हमने इतना अच्छा बनाया कि आपको लगा कि बगल वाली हलवाई से मंगवाया है, इससे अच्छी तारीफ और कुछ हो ही नहीं सकती हमारे लिए। सुबह 5 बजे से हम रसोई में आपके लिए ये कर रहे थे। थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, अब मैं निकलता हूँ। वरुण जी हम टिफिन बना देते। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी इतना सारा पोहा तो खा ही लिया, I'll manage। अच्छा
अच्छा ठीक है, आप ना थोड़ा जल्दी काम खत्म करके जल्दी घर आ जाइएगा। स्वीटू, एक्चुअली ना आज थोड़ी देर हो जाएगी, आज बहुत जरूरी काम है ऑफिस में। आपको तो हर रोज ही देर हो रही है, हर रोज ही काम होता है, हर रोज ही लेट आते हैं। अच्छा ठीक है, कोशिश करूंगा कि जल्दी आ जाऊं। ओके अरे श्रद्धा, तुम कुछ पराठे ले आओ ना रसोई से, ये लो। जी मम्मी जी, अभी लाई। अरे भाभी, कीर्ति को तो हमने इतना खुश कभी देखा ही नहीं है, अब सब ठीक तो है ना उसके साथ? क्यों नजर लगा रही है आप भाभी? आपको पता है ना, उसके गुस्से का कहर हम सबको भुगतना पड़ता है, अच्छा है ऐसी ही रहे। अरे भाभी आप क्या खड़ी, आइए ना नाश्ता कीजिए हम लोगों के साथ। हुँ? ये लीजिए पोहे, आपकी बहू के बनाए हुए। दीदू अब बस हम ना ऐसे ही रहेंगे। कीर्ति मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए, आज तो तूने सबको चौंका ही दिया। ये बदलाव ना हमारे अंदर वरुण जी के कारण आया है। वरुण जी हमारा कितना ध्यान रखते हैं, हमें कितना खुश रखते हैं, तो हमने सोचा कि उनकी खुशी के लिए भी हमें कुछ बनाना चाहिए ना, इसीलिए वीडियो देखकर बहुत मेहनत की हमने और फटाफट ये पोहा बनाया। हमें तो बिल्कुल यकीन नहीं था कि इसमें स्वाद भी होगा, तो सबको अच्छा लगा। बस इसी तरह स्वाद हमारी जिंदगी में भी बना रहे। हाँ कीर्ति ये बिल्कुल बना रहेगा। दीदू हम भी ना आपकी तरह एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बेटी और एक अच्छी माँ बनना चाहते हैं। परिवार वालों के साथ मिलजुल के रहेंगे, सबको खुश रखेंगे, अच्छा होगा ना? एसपी होटल लेकर गए थे वो। मैं भी यही चाहती हूँ कीर्ति कि तुम दोनों की खुशियों के बीच अब कोई तीसरा ना आ जाए। श्रद्धा, श्रद्धा तुम अभी तक यही हो, ऑफिस से फोन आ रहा, चलो। हाँ चलिए। हमारी पहली रसोई है तो वरुण जी को हमें कुछ नेक तो देना चाहिए ना, क्या मिलेगा? हमें तो लगता है कैश मिलेगा। हाँ श्रद्धा इधर आना। जी सर। श्रद्धा ये 10 लाख रुपए है, ये वेंडर को जल्द ही देने। पर इस काम के लिए मैं तुम्हारे अलावा किसी और पे भरोसा कर ही नहीं सकता। ओके जी सर। दे देना ध्यान से। श्रद्धा अरे क्या कर रही हूँ, पैसे गिरा दिए। सॉरी ध्यान नहीं था मेरा। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? सुनो तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो घी वाला चोर हम पकड़ लेंगे। सिर्फ वही बात नहीं है अभय, मुझे कीर्ति की भी चिंता है, कहीं वरुण जी ने सच में किसी और के साथ रिश्ता तो नहीं बना लिया। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।